योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सब अभी तक गलत कर रहे हो बच्चों। तो 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c एज यूजुअल बिकॉज़ द वेरिएबल ओवर हियर इज m। तुम्हारा a का वैल्यू आ जाएगा 5 और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4 एंड c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। ये सबने बराबर निकाला। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर पहले ऐसा लिख देने का, तो माइनस 4 a और c, माइनस 4 स्क्वायर। अरे क्या होता है बोलो यार, क्या होता है 16 प्लस 4 इंटू 5 20 इंटू 2 56। अच्छा कितने लोगों को ये गलत आया, कितने लोगों को ये गलत आया? ये गलत आया। अच्छा कैसे चलेगा ऐसे, ये तो बेसिक चीज है बेटा, इतना तो अपन कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मत करो बच्चा, इतना आना चाहिए प्लीज। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ध्यान से करो, क्या मिस्टेक होने सकता है इसमें, क्या सेम आएगा बच्चा, अलग कैसे आएगा? लेकिन मैंने तुमको क्या बोला, अगर माइनस है अंदर माइनस है तो बाहर प्लस से मल्टीपो कर दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो लिख दो, समझा। यहाँ पर माइनस होता है एक और, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता फिर कर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेसिक रूल है बेटा, 9th 8th तुमको मैंने बेसिक वीडियो भी भेजे, 6-7 वीडियो बेसिक बनाया मैंने इसके ऊपर, ये सब प्लस माइनस वगैरह के ऊपर देखो, वरना तुम लोग देखते भी नहीं हो, तुम बेसिक चीजें भी सीखने के लिए रेडी हो, सीखो ना वो सब, देखो ना बच्चा, मिस्टेक नहीं करोगे फिर, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं, गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं नहीं मिस्टेक होगी फिर, बेसिक वीडियोस भी है सब कुछ है अपने पास। बोलो क्या आएगा ये, देखो m विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस बी माइनस, ये माइनस हमेशा रहेगा ही, और बी कितना है माइनस 4। अब बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, बी को 4 लिख देते हैं, उनको लगता है कि माइनस तो है ही इधर। अरे तुम लोग समझ रहे हो मिस्टेक किधर होती है बच्चा, बी माइनस 4 है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, फोर लिख देते हैं, उनको लगता है माइनस तो है ही। अरे बच्चा वो माइनस बाय डिफॉल्ट है, वो तो रहेगा ही हमेशा, जिंदगी भर तक रहेगा उधर, अपन रहे ना रहे, कोरोना रहे ना रहे, कुछ रहे ना रहे, माइनस तो रहेगा ही। तो माइनस 4, ये 4 का माइनस है, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे क्या होता है, ए क्या होता है, बताओ आगे बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, अरे बोलो यार कुछ, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, कुछ बोल नहीं रहे हो, माइनस माइनस क्या होता है, अरे क्या होता है माइनस माइनस, बेटा माइनस माइनस क्या होता है, आई थिंक इट इज गेटिंग स्टार्टेड, वाईफाई गॉन आई थिंक अगेन। बच्चा क्या होगा बोलो, आवाज आ रही है अभी, बोलो क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा, हाँ बोलो क्या, क्या बोल रहे हो, हाँ तो बी स्क्वायर ही क्या है, माइनस 4 स्क्वायर 16 क्या, क्या बोल रहे हो, स्क्वायर कैसे आएगा बच्चा, इधर माइनस बी है, माइनस बी है, ओनली बी है, इट इज ओनली बी, इट इज नॉट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं है ये,
लेकिन ये सब मिस्टेक्स होती है, डोंट वरी, एग्जाम में ये सब मिस्टेक्स होती है बच्चा, डोंट वरी। अच्छा क्लियर कर दो अभी, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ माइनस, रूट 56 अपॉन 2 इंटू 5 10, क्या हो जाएगा रूट 56? अरे क्या हो जाएगा रूट 56? 2 14, 2 7, 7 1 2 into 2 into 2 into 7, ये 2 बार आ जाएगा। देखो हाँ, अपॉन बच्चे लोग अपॉन 10 भूल जाते हैं, ये भी चीज मैं बता रहा हूँ। अब बताओ क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? तो 2 into 2 4 होता है, प्लस ऑफ माइनस 2 into root 14 अपॉन 10। तो अभी सब रिया, भूमिका, सब जन, भूमिका कुछ बोल नहीं रही है, भूमिका आवाज आ रही है बेटा? हाँ तो कुछ बोल नहीं रही है बेटा, कोई आंसर नहीं दे रही आज। अच्छा ठीक है, चलो 2 आ जाएगा कॉमन, तो 2 प्लस ऑफ माइनस रूट 14 10 1 5 for m will be equal to 2 plus root 14 upon 5, सबको ये आया, और m is equal to 2 minus root 14 upon 5, जिसको नहीं आया क्या मिस्टेक हुई देख लो प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट सम जब दूंगा तो वो आना चाहिए अच्छे से। जिन वर्क आएगी बच्चा लिख लो इतना, बच्चा इतना लिख लो। हाँ, देख रहा है। आधा रूट्स ऑफ़ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो।